हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राउत ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों कल रात तो हो गई बहुत तेज बारिश, और रात छत पर लेटे थोड़ा देर तो बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड लगने लगी थी जैसे हम कुन्नू मनाली में बैठे होंगे, अपने उत्तराखंड में बैठे होंगे, इतनी ठंड हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी एसी वाले ने सारा रात भर बारिश आ गई थी, फिट नहीं हो पाया था, खाली छेद करा तो बारिश बहुत तेज आ गई थी। और ये यहाँ पर सारा बिखेर रखा अभी, तो एसी वाले कह रहे हैं 10:30 बजे तक, कोई पता नहीं इनका कब तक आते हैं। फ़ोन मैंने करा है तो अब 10 भी बज गए हैं, सुबह के 10 भी बज चुके हैं। तो अब कर लेते हैं पहले नाश्ता, और बिपिन रावत जी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, पोछा ओछा लगा रहे हैं। अब बाहर फिर लग गई कड़ाके की धूप, क्योंकि कल बारिश बहुत तेज हुई थी, फिर धूप दे रहे दोस्तों बहुत भयंकर। ये देखो बारिश, इतनी तकड़ी धूप लगी है कि वो पूरा ऐसा फेंक रहा लू गर्मी का। अब मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा दोस्तों, एसी के चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा एसी का दिमाग ख़राब हो गया मेरा। एसी के चक्कर में कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ कहीं नहीं जा पा रहा हूँ मैं, इतना दिक्कत हो रही है। तो पहले अब कर लेते हैं पूजा, उसके बाद करते हैं नाश्ता, फिर करते हैं एसी वालों का इंतज़ार। तो सारा मतलब 5-6 दिन इसी एसी के चक्कर में दिमाग माथा पर्ची हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि जिसने फिटिंग करी थी ना तो उसने फिटिंग सही नहीं करी थी, तो पैप ऐसे मुड़ गया था, तो ठंडा कैसा फेंकता, ये सर्कुलर नहीं हो रहा था, मतलब जैसे हम बॉडी में सर्कुलर होता है ना, सोखा वो सर्कुलर नहीं हो रहा था इसका। तो देखते दोस्तों कितने देर में आते हैं, तब तक पहले हम कर लेते हैं नाश्ता और पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों आप कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि 10:53 हो चुके हैं, और अभी एसी वाले ने कहा पहले 10:30 बजे, आप 10:53 कर, रास्ते में रास्ता पता नहीं कब तक आता है। तो मैं कर लेता हूँ पहले नाश्ता, नाश्ते में बना रखा है यहाँ पर वाह आलू बड़ी की सब्जी और रोटी। तो बड़ी की सब्जी मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप खा लेते पहले नाश्ता, और इन्होंने तो खा लिया नाश्ता, मैं भी करता हूँ। और बिपिन रावत जी तो मस्त है, जहाँ भी देखो घर में देखो, और ये जा रहे हैं गाँव, और मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं, आए जा रहे गाँव, हाँ ये जा रहे गाँव और मुझे अकेला छोड़ रहे बेचारे को यहाँ। मगर मैंने इनको बोला मैं सरप्राइज दूंगा इनको, कह रहे घर आने की कोई जरूरत नहीं, जाना है तो हमारे साथ जाना है, मगर मैं जाऊंगा बाइक पे और ये जाएंगे किसमें जाओगे, गाड़ी से, और तो अगर मैं गाँव आऊंगा सरप्राइज दूंगा तो मैं कैसे लगेगा, हम तुम्हारे पीछे कहाँ थे, तुम मैं भी नहीं आना हमारे पीछे। अच्छा कह रहे हमारे पीछे मत आना, ऐसे कसम मेरे को ना कसम से ऐसा करेगा, तू ये काम कर जहर की पुड़िया दी, और हर जगह तुम्हें काम घुसाना जरूरी है, और क्या लो मैं जाऊंगा और सरप्राइज मेटर जहर है, ये देखो जहर है, क्या है जहर है, देख रहे मेरे को कह रहा जहर है खाने, मुझे सीमेंट का जहर है खाओ, देख रहे कान में बोलो। तो कैसा लगेगा आपको मैं सरप्राइज दूं, अभी टाइम है। अच्छा तो दोस्तों मैं कर लेता हूं पहले नाश्ता, बातें तो होती रहती है, तो एसी वाले पता नहीं कितनी देर में आते हैं, तो देखते पहले करते फटाफट हम नाश्ता। दोस्तों एसी वाले भी आ चुके हैं, 11 बज चुके हैं, अब चलता मेरे को एसी वाले के साथ आगे हैं, और हमने भी कर लिया नाश्ता पानी, और देखिए अब शुरू होने जा रहे हैं यहाँ पर एसी का काम। तो एसी का काम भी हो चुका, 3 बज गए, 3 बजे पास सुबह के 11 बजे के आए थे बंदे, और 3 बज गए, बताओ कितने घंटे लग गए, बताओ 12-4 घंटे लगे, और अब जाके एसी बिल्कुल चीड़ अब लग रहा है, बिल्कुल चीड़ ठंडी हुआ, ये होती है एसी की हवा, तो पैप डैम बैंड हो गया था कैसे चलता। तो दोस्तों हो चुका एसी, अब इनका रिएक्शन जानते हैं मैडम जी का, कि पहले वाले में अब वाले में कितना अंतर है। दोस्तों अब लंच की तैयारी भी है, अरे देख रहे हो मेरे पैर कैसे करें, अब कैसा लग रहा है आपको एसी की हवा, ठंडा कहाँ ठंडा, बाहर इतनी गर्मी है, नितिन राव जी पहले से कैसी एसी, इधर डन है तो ऐसे डन करता रहेगा, और फोन कैसे चल रहा आपका है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा तब कर रहा डिनर की तैयारी, और डिनर में बना रखा है ना लंच में बना रखा है सब्जी, आलू की सब्जी और चावल, यानी कि झोल आलू का झोल और सब्जी, बहुत प्यारा लगता है मुझे झोल, मस्त लगता है और मस्त। देखते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद ठंडा कितना करता है, पहले कर लेते हैं लंच। तो दोस्तों देख रहे हो मैंने सफाई के लिए झाड़ू ले लिया है,
और इन दोनों में गुस्ती हो रही है। और देखो मैंने झावल ले लिया, इतनी मिट्टी मिट्टी इसके अंदर दिखाई, कैमरामैन को कहूंगा देखिए दोस्तों, कैमरामैन फोकस करो, इतनी गंदगी यहाँ पर, अरे सब साफ करना, देखो इसको देखो आज भी जितनी बार मतलब किसको किसके रेपड़े का, और ये कंटेन कर रहा है ये घर लम्बे का, देखो अरे ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये देखो इधर है कंटेन, ये टगल देख लो इसकी, दिन में दो दो बार, बीस वाले हाँ जितनी बार उसको लाओ तो दस खाता ही रहेगा इसको दुकान में बैठा दो, तभी कह रहे हैं मैं अपने लिए कैफे खोलूंगा, है ना, ताकि मैं लोग खाता रहूंगा, देख मैं लोग आए ना मैं खा लूं पहले, आदमी बोला चलो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर टीवी रिपेयर करने वाला हूँ, फर्स्ट बार मैं ये वाले टीवी खोल रहा हूँ, मतलब खोलता था मतलब अपनी टीवी पहली बार खोल रहा, जितनी बार खोली उतनी बार खराब की थी, जब से ली है हमने तब से ये पहली बार खुल रही है, तो मैं कर रहा हूँ, मैंने इसकी आवाज में तो फटी फटी सी नजर आ रही, तो पहले हम इसी पे हाथ साफ कर लेते हैं, अभी कितनी सफाई हो रही है अभी, बहुत गंदी हो रही है, और खोलता हूँ इसको, कहाँ देखता हूँ तभी टीवी खोले फिर दिखाते दोस्तों। दोस्तों अब खोलने जा रहा हूँ मैं प्रेस को, टीवी तो मैंने यहाँ बंद कर दी है, पैनल खुला नहीं है था प्रॉपरली, और टेट है, तो हमने कहा चलो टीवी वाले को ही दिखा देते हैं, अब खोलने जा रहा हूँ प्रेस, अब दूसरे पे टेक्निकल दिमाग लगा रहा हूँ, देखते हैं। तो दोस्तों प्रेस भी नहीं हो पा रही थी, प्रेस हो जाएगा पटाखा बोल गया, प्रेस हो जाएगी खराब, वैसे भी चिपक रही थी बहुत ज़्यादा, अब टीवी लेके जा रहे हैं दोस्तों, अब इनको काफ़ी टीवी के लगी है, और इसको बिपिन राव जी को कह रहा मैं कब से कि तू यार टीवी लेके जाता जा रहे ना, एक्टिंग कर रहा सोने की, तो चलते हैं दोस्तों हम टीवी वाले के पास। तो 4:20 हो चुके हैं, नितिन राव जी अब बाइक मोड़ दिए और मैंने टीवी देखो ढक ली, और दोस्तों पकड़ने के चलते हैं, धूप में चलने का तो दिल नहीं कर रहा है, इतनी कड़ाके की धूप आप देख ही रहोगे हमारे पीछे, कितनी धूप लगी है, और टीवी मेरे हाथ में सुस्ती भी आ रही है, नींद भी आ रही है, और नितिन राव जी बाइक चलाएंगे और मैं पीछे बैठूंगा, चलते हैं दोस्तों टीवी वाले के पास, क्या रिपोर्ट मिलती है इसकी। तो दोस्तों आ चुके हैं, टीवी वाला कोई था नहीं, अब गर्मियों के दिन है ना इस समय बंद रहते हैं, और हालत हो रही खराब, मैडम जी हमारे दौड़ा रही है कभी कुछ करो कभी कुछ करो, अब मैं इसको टांग देता हूँ दोस्तों, मेरी हो गया खराब, मेरे से बच्चा लग रहा है मेरे पे, तब फिर दोस्तों अंदर की तरफ। तो दोस्तों रात के बज चुके 8, और मेरे को ना काफ़ी ख़तरनाक नींद लगी थी, अब जाके मैं उठ रहा हूँ, और इतनी ख़तरनाक नींद आ गई थी, ठंडी में इतना ठंड लगने लगी इसमें अब कि बहुत ख़तरनाक ठंड लगने लगी थी, और नींद पड़ गई, और जैसे मैं उठा मैंने अपने लिए मंगाए मोमोज, क्यों मोमोज मंगाए, और ये मेरी जान खा दे रही है खाने का, मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने थक गया था, मैं इतना थक गया कि, और मेरे को नींद भी बहुत ख़तरनाक आ गई, अब 8 बजे जाके उठ रहा, बता कितने बजे सोया था, अच्छा हाँ देखो ये मेरे को कह रहे कि ये मेरे को मोमोज मना करे, मोमोज क्यों मना कर रही, तू 3 दिन हो गए लगातार बाहर का खाना खा रहा, अच्छा 3 दिन हो गए, रोज के पहले दिन मोमोज खाए थे, कल बाहर का खाना खाया, फिर अब आज मोमोज मंगा दिए, तबियत खराब नहीं हो गई इसमें, रोज बाहर का खाना, चलो आज अब लास्ट बार खराब नहीं खाना इसके बाद, ठीक है आज मन कर रहा था तो इसलिए मैंने मोमोज मंगा लिए। तो दोस्तों इधर मैं भाई साहब के पास जाता हूँ, थोड़ा काम है वहाँ पर, बगल में जाता हूँ, तब तक नितिन और आ रहे हैं दोस्तों, नितिन रावत जी आ गए, सामान लेके आए, देखो बहुत सामान था इसके पास, और ये आ चुके हैं KFC मोमोज, ये देखिए दोस्तों, और ये ऐसे बनते हैं, देखो ऐसे भरा हुआ, ये बहुत अच्छे होते हैं कुरकुरे, और ये देखो अपने लिए यहाँ पर कोक भी आ गई है, ये कोक भी आ गई है, और लेस वगैरह भी आ गए, चिप्स चिप्स भी आ गए, ये देखिए दोस्तों। तो करते हैं रात का थोड़ा सा भोजन, चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने मंगा दिया, अपने नारियल नूरियल भी ले आए, तो करते हैं दोस्तों इसको खाने का स्वाद टेस्ट करते हैं, बहुत तो खा लेते दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देते हैं, पहली बार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कहीं और से, तब तक के लिए बाय बाय।